हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, आज का ना व्लॉग बनाते हुए मुझे कुछ अंदर से ऐसे धक धक सी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस चीज़ पे है, तो आप मेरी नर्वसनेस शायद समझ पा रहे, स्पेशली वो जिसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं बात कर रही हूँ मेरे एप्पल आईफोन 14 प्रो की। तो मुझे ये एप्पल आईफोन 14 प्रो कल ही रिसीव हुआ था, जो कि टोटली सरप्राइज था। हम बात कर तो रहे थे कि आईफोन लेना है, क्योंकि मैं जब भी अपने कैमरा से फ़ोन से शूट करती तो बहुतों ने मुझे कितनी बारी बोला होगा कि प्लीज़ अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन ले ले, फ़ोन ले ले। मैंने कहा ओके लूँगी, बट जब मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे पेमेंट आएगी तभी लूँगी। बट अभी तक वैसा हुआ ही नहीं। और ये वीडियो कोई देख रहा है तो प्लीज़ कोई इतना वायरल कर दो कि ऐसा हो जाए मेरे साथ। बट उसका मैं वेट नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा रिक्वायर था। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ मुझे सच में बहुत ज़रूरत पड़ती है अच्छे कैमरे की, जैसे स्पेशली नाइट टाइम पे जब लाइट्स अच्छी नहीं होती हैं। तो फाइनली मैंने वो ले लिया है, और आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स। वो अंदर ही कुछ आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब वो मैसेजेस आ रहे हैं जिनको भी पता चला है कि मैंने ले लिया है, तो वो पढ़ के मुझे कुछ और हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई थिंक ये होगा क्योंकि 14 प्रो है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये फ़ोन मुझे कल रिसीव हुआ था। जब मैंने हेमंत से डिस्कस किया था कि मुझे आईफोन लेना है, तो उसने बोलता ओके मैं आएगा बट सितंबर में, और ऑल ऑफ सडन ये आ गया कल ही। तो आप समझ सकते हैं कितना बिग सरप्राइज था मेरे लिए ये, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड। और मैं वो मोमेंट आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ से मैंने ये कल अपना फ़ोन उठाया है, कौन सी जगह पे रखा गया था। तो चलो आपको सबसे पहले मैं वही वाला मोमेंट क्रिएट करके बताती हूँ। सो दिस इज़ माई आईफोन 14 प्रो पैकेट, कुछ इस तरह से ये इस पैकेट में आया था। तो मैं आपके लिए अपनी मोमेंट रिक्रिएट कर रही हूँ कि मुझे किस ढंग से रिसीव हुआ और मेरा रिएक्शन क्या था। सो यहाँ आपको मेरा आईफोन 14 प्रो का पैकेट दिख रहा होगा। कल इसी पॉइंट पे ये था, और जो मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जिस तरह से मैंने भी आपको दिखाया टेबल पे, उसी तरह से फोन पड़ा हुआ था। और मैंने क्योंकि गलत जगह देख, अच्छा कौन सी बड़ी लग रही, कौन सी छोटी, यार ये मतलब मेरी ऊपर नुक्स निकालना छोड़ो। अभी मैंने जो आपको फोन दिखाया एग्जैक्टली उसी तरह से फोन पड़ा था, और मैंने नोट तक नहीं किया। तब हेमंत ने जो एग्जैक्टली बोला वो मुझे बोल के दिखाएंगे। मुझे याद ही नहीं अब क्या बोला था इनको, याद ही नहीं बोला गया था। इन्होंने मुझे बोला था कि जा इतने फालतू की बातें मत कर, टेबल पे कुछ रखा हुआ उसको जाकर दे। मैंने सोचा कुछ खाने की चीज रखी होगी बाहर से आए हैं, पर वहां पे कुछ और पड़ा था, क्या रखा था बताओ। तो इस तरह से 14 प्रो का यहाँ पैकेट रखा था, और आई वॉज रियली लाइक कि अच्छा ये पक्का कुछ खाने की चीज है। और मैंने जैसे ही देखा ना कि ये तो 14 आ गया, तो मैंने इनको बोला ये कहाँ से कैसे, तो ये कैसे हुआ ये तो बता दो। ये तो एक्चुअल प्लान था कि फोन सितंबर में आना था, लेकिन लकीली मेरा एक दोस्त रहता है, उसका भाई आ रहा था यूएस से, तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई कृपया एक फोन भिजवा दे, फोन भिजवा दे है। उसके थ्रू ये फोन आ गया, तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे हम, उसकी वजह से आज ये खुश हो रखी है। सो थैंक यू जिस भी भैया ने ये फोन वहाँ से भेजा है, आई एम सो हैप्पी। और क्या, और हाँ, एंड ही इज वेरी गुड इन कीपिंग सीक्रेट, मतलब इनके फेस पे एक बारी भी नहीं आया, ना ही आवाज में, कुछ ऐसी चीज आने वाली है। सो रियली ही इज अ वेरी गुड एक्टर। और ये अब ये वीडियो से भाग रहे हैं, क्योंकि वीडियो में आना ज्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने ही बोला था कि प्लीज आ जाओ, क्योंकि आप ये फोन लेके आए, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सो चलो जल्दी से अब मैं आपके साथ फोन शेयर करती हूँ। सो टेंटेटाइम, मैं अपना फ़ोन जस्ट खोलने वाली हूँ, तो मेरे को बिल्कुल ऐसे ना फिल्मी स्टाइल में इसको खोलूँगी। तो सी दिस इज़ द पैकेट, और ये है इसका बॉक्स। तो मुझे प्लीज़ सब बताना, जो जो मैं जब बॉक्स को खोलने वाली हूँ, किस किस को एक्साइटमेंट उतनी हो रही है जितनी मुझे हो रही है इसको खोलने में, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और ये है इसका बॉक्स कुछ इस तरह का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन कल का आ गया था, और मैं इसको आज ओपन कर रही हूँ आपके साथ। और बट सुबह हमने जाकर इसके स्क्रीन गार्ड और इसका कवर ले लिया है, बिकॉज प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है फ़ोन की, ऐसे नहीं कर सकते। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये खुलने वाला है मेरा फ़ोन।
सोज लुक एट द ब्यूटी। मैं आपको इसको बिना कवर के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने कवर लिया है, आप देखना, ये इसका आईफोन का मैंने कवर लिया है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको बिना कवर के दिखाती हूँ किस तरह का है ये फ़ोन। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा i14 Pro विदाउट कवर। सो इट्स सच अ ब्यूटी, सी। मैंने और मेरा ना कभी भी ऐसा रहा नहीं कि मैं महंगा फ़ोन लूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी वैसी हूँ जो फ़ोन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं करती हूँ, मेरे फ़ोन गिरते रहते हैं। बट इस फ़ोन को तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। और दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं ये वाला वाइट कवर इसको हटा कर दिखाती हूँ। अभी मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने इसको चार्ज भी नहीं किया है तो आई कांट शो यू द डिस्प्ले, बट जस्ट ऐसे नॉर्मल देख सकते हो आप। सो ये है फुल लुक आईफोन 14 प्रो की, सी। तो यहाँ इसके साथ ही इसकी चार्जिंग केबल आ रखी है, आप देख सकते हैं। सो पहले के फ़ोन के साथ तो हेडफोन्स भी आया करते थे एप्पल के, जो बहुत ही कूल से हुआ करते थे। अब कंपनी वालों ने सब चीज़ें देना ही बंद कर दी है, पता नहीं, विच इज़ वेरी बैड आई थिंक। सो मैं अपने ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने इस फ़ोन को चार्ज करना है, इसको ऑपरेट करना है, इसका सारा प्रोसेसर देखना है कैसा है, कैसी फंक्शनिंग है। सो तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और मैं अपना फ़ोन एंजॉय करती हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन एंजॉय, बाय बाय। और हाँ, मैंने बाय करने से पहले ये बोलना भूल गई, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि मैं सच में ही अपने YouTube मनी से अपने जल्दी से कुछ ले सकूँ अपने लिए। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लोग से शेयर करेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।